नेचर इज टू बी ओबेड नॉट टू बी कमांडेड। हम लोग अभी शुरू कर दिए हैं कमांड करने के लिए, इसीलिए आज इतनी बीमारी कोरोना ये सब जो हो रहा है, क्या है डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, हम लोगों को पहले से भी डिस्ट्रक्शन होता आया है। आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो हुआ वो कैसे हुआ, जितना ही एवरेस्ट ऊंचा था उतना ही नीचे है प्रशांत महासागर। तो ये तो हम लोग पहले ही आइसोस्टैटिक से पढ़े हुए हैं, ये तो कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये साइकिल क्या है, डिस्ट्रक्शन तो होगा ही लेकिन उसका एक लेवल है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे कि इम्बेलेंसेस गड़बड़ा जाए नेचर का। तो अभी की जो हालत है, तो आपका ह्यूमन जो हम है प्रेजेंट में सस्टेन, ये कहें तो पहला चीज है जो जियोलॉजी रिवील्स द पास्ट दैट वी डू, हम लोग करते हैं, मैंने सब लोग जाते हैं देखते हैं कहाँ मिलता है उस पर लिखते हैं, उसको रिवील करने के लिए आइसोटिक तो लेटेस्ट में हो गया है कि आइसोटॉपिक स्टडी करते हैं, उसके बाद मिनरल्स के बारे में जान के करते हैं। पहले हम लोगों का एक ही टूल था एंड दैट टूल वाज फॉसिल्स। फॉसिल्स के कारण ही ना हम लोग जाने, तो फॉसिल्स था तो फॉसिल के आधार पर हम लोग लाइफ जाने, उससे हमारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो हुआ तो उसमें मदद किया जियोलॉजी ने, और वो मदद करने के बाद अब एक बना ट्री बना ह्यूमन लाइफ का जो है स्टार्टिंग फ्रॉम अमीबा से लेकर के वहाँ से लाइफ जो है वहाँ से बना। तो ये हम सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पर्पज से खाली पढ़ लेंगे, हमको डिग्री लेना है तो हमको यही कहना है कि स्टूडेंट हम पर्सनल कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने में बसरते कि लेने वाला बच्चा हो, माने दोनों साइड ना होता है कि आप पढ़ा रहे हैं या लड़का नहीं पढ़ रहा है तो आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन आप ये मत सोचिए कि वहाँ टीचर है, टीचर पर कभी पद हावी नहीं होता है। फंडामेंटल चीज को पता नहीं, टीचर जो है सो लर्नर है। टीचर जो है ये सोचिए मत कि यू आर मास्टर ऑफ एवरीथिंग, यू कांट बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग। इसीलिए हम जितना सीख पाए, अभी हम आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप हमसे पूछिए, आपसे हम कुछ सीखे, हमसे कुछ सीखिएगा। तो टीचर को हर वक्त, टीचर जो है सो लर्नर है, जो लर्नर रहेगा वही सक्सेसफुल टीचर होगा। आप जब स्टूडेंट लाइफ में थे उस समय आपको क्या डिफिकल्टी होती होगी, उस चीज को अगर याद कीजिएगा तो आप अच्छा डिलीवर कीजिए बच्चों के बीच में। तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए टीचर वही हो सकता है जो संतोष जिसके पास है, और टीचर वही हो सकता है जो ये सोचे जो हमसे बड़ा कोई नहीं है और हमसे छोटा भी कोई नहीं है। बड़ा इन दिस सेंस कि हमसे क्या, अभी पर्सनली हमारी राइट एड यू देर सो मेनी आई एस ऑफिसर्स रिटायर, हम मॉर्निंग वॉक करते थे और करते थे उनके साथ, हमारा पर्सनल रिलेशन था तो वो भी रहते थे, तो देखते थे कि रास्ते में कोई प्रणाम सर जा रहे हैं कहीं मोटर अति स्कूटर पर, सर चलिए ना कहाँ जाना है, मोटरसाइकिल पर कहीं कहाँ जाना है, हम कहें नहीं नहीं ठीक हमको नहीं जाना है ना। तो वो आई एस ऑफिसर्स हमको कहते थे जा जी आप लोगों में यही अंतर है कि टीचर की इज्जत जो है रिटायरमेंट के बाद क्या मिलती है, और हम लोगों को आगे रिटायरमेंट में कोई नहीं आएगा, आप सोचो तो।